वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर इंडियन फुटबॉल लीग का मैच हो रहा है, मतलब आईएसएल लीग का, बेंगलुरु और मोहन बगान के बीच। आज सुबह से हम भाई ढंग से ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे, आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे थे, रिप्लाई भी नहीं दे सके। कोई बात नहीं, रात तक आपको रिप्लाई भी मिलेगा और ओपन टीम भी मिलेगी आज, क्योंकि आज हैं बहुत सारे मैचेस। आज 7:30 के बाद कंटिन्यूस 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मैच, 1 बजे तक नहीं, 12:30 तक मैचेस हैं, मज़े आने वाले हैं आप लोगों को। तो टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, नीचे लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करो, क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है मेरे भाई। तो बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं इस मैच की। देखिए, बेंगलुरु और मोहन बगान, एक इजी मैच की तरह इसे कवर करो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, क्योंकि रात को ओपन तो दूंगा ही दूंगा, ये तो जस्ट एक ट्रायल मैच है। ये तो आप सुनो, समझो कि दिन की शुरुआत करने के लिए एक लो इन्वेस्टमेंट मैच होगा ये, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि आज सुबह से कोई फुटबॉल था नहीं, तो मैंने इसको ज़बरदस्ती कवर किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा आराम से एनालाइज कर लूँगा, तो मैंने एनालाइज कर लिया मैच। तो भगवान करे भाई बढ़िया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले स्ट्राइकिंग की बात करें। देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आप सब जानते हैं कि सुनील छेत्री एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब सुनील छेत्री इंटरनेशनल लेवल तक का एक सबसे टॉप क्लास नेम है, टॉप थ्री के अंदर मोस्ट गोल कर चुका है, पूरे टॉप थ्री वर्ल्ड के जितने फुटबॉलर, इंटरनेशनल गोल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन सुनील छेत्री डोमेस्टिक लेवल के अंदर इस साल वो चीज़ नहीं कर पाया जिस नाम के लिए जाना जाता है। और बेंगलुरु टीम इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मोहन बगान से रैंकिंग में नीचे है। तो मेरे हिसाब से अगर आप टीम बनाओ तो आप छेत्री को सिर्फ लो, लेकिन आप अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑपोजिशन टीम का रखो, अगर मेरी राय मानो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया, मैं आपके सामने वो चीज रख रहा हूं। उसके बाद जे कमिंग्स की बात करूं, देखिए भाई, जे कमिंग्स पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेलता था ए लीग में, अबे मतलब ऑस्ट्रेलिया कंट्री नहीं, मैं ए लीग की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो ए लीग है वहाँ से खेलता था डोमेस्टिक लेवल पे, और डी पेट्रेटोस भी वहाँ खेला हुआ है। और इन दोनों का कोई जवाब नहीं भाई, इन दोनों ने पूरे सीज़न के अंदर मोहन बगान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया यार, मतलब इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ के अंदर, इस बात से मैं सहमत हूँ। उसके बाद मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, देन एफ जैवी हर्नैंडिस को यहाँ पर मैं लूँगा। जैवी हर्नैंडिस के बाद ए सादिकू इज़ अ मेन प्लेयर, सादिकू छूट गया तो आप गए, क्योंकि सादिकू को स्ट्राइकिंग अच्छी तरह आती है। एंड एल कोलैको की बात करें, कोलैको को भी मैं वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है डिफेंडिंग के अंदर इतना ट्रस्ट नहीं है। डिफेंडिंग आईएसएल लीग की जो डिफेंडिंग है उसके अंदर अगर क्लीन शीट लग भी जाए तो डिफेंडर 35-40 से ऊपर पॉइंट नहीं देता, ठीक है, ये हम नोटिस कर रहे हैं। तो 35-40 पॉइंट की अगर बात है तो ये तो आपको ये आराम से दे देंगे, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ अगर एक असिस्ट भी कर देंगे तो एंड तक 30-40 पॉइंट हो चुके होंगे। और ऑपोजिशन टीम की अगर मैं बात करूँ, देखिए भाई, ऑपोजिशन टीम का प्लेयर लूँगा मैं अब्दुल समद, एम सिंह वगैरह को अपनी टीम में ले रहा, मुझे एम सिंह का थोड़ा डर है। मैं चाहता हूं कि अगर मानवीर सिंह खेले तो फिर इन दोनों में से कोई प्लेयर ना खेले, और अगर ये दोनों खेले तो एम सिंह ना खेले, क्योंकि मैं एक ही प्लेयर पिक कर सकता हूं। और जे कोको को सिर्फ जीएल वाले लेंगे, स्मॉल लीग के लिए थोड़ा रिस्की पिक है, समझो। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, देन आर विलियम्स, रियान विलियम्स के बाद आपको पता है कि आपने जैवी ले लिया है तो आज आपको वेंगजम को ड्रॉप करना पड़ेगा। एंड बात करें डिफेंडिंग की तो यहाँ पर सुभाषिस बॉस के बाद मेरा नेक्स्ट प्लेयर, देखो राय, वैसे मेरे को लास्ट सीज़न अच्छा लगता था, इस सीज़न ठीक खेला है, मतलब मैं बुरा भी नहीं कहूँगा तो अच्छा भी नहीं कह सकूँगा। उसके बाद मैं युस्ते को लूँगा, क्योंकि मैंने ऑपोजिशन टीम का रोशन सिंह हो गया, एन पुजारी हो गया, इनमें से कोई प्लेयर पिक नहीं करना भाई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया इन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा है ना। आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, जी सिंह संधू इंटरनेशनल लेवल का टॉप क्लास फुटबॉलर इंडिया का, मेरे को सबसे बढ़िया भाई गोल कीपर लगता है पूरे इंडिया में, गुरप्रीत सिंह, मतलब मेरा फेवरेट है। जैसे होता ना कि इंडिया में सबका एक फेवरेट प्लेयर, जैसे कईयों का रोहित शर्मा होगा क्रिकेट में, कईयों का विराट कोहली फेवरेट, तो ये गुरप्रीत सिंह ऑल सारे जो गोल कीपर हैं उनमें मेरा फेवरेट है इंडियन प्लेयर, ठीक है ना। आगे से अगर बात करें कैप्टन की, तो जो मेरा कैप्टन है वो है डी पेट्रेटोस, वाइस कैप्टन है मेरे भाई कमिंग्स, क्योंकि पेट्रेटोस को पहले मैं वाइस कैप्टन रखता था, कैप्टन मेरा जे कमिंग्स होता था, तो मैं इतनी जल्दी जे कमिंग्स पे ट्रस्ट नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं अभी भी उसको वाइस कैप्टन के साथ रखूंगा। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।